परमेश्वर के नाम का हम धन्यवाद देते हैं। विशेष वेस्ट कोस्ट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के दैनिक वचन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए हम परमेश्वर के वचन को थोड़े समय हम मनन करें। मत्ती की सुसमाचार और उसका 14 अध्याय और 22 कलम से लेकर 33 कलम तक परमेश्वर का वचन यहां पर जो बात बताता है उस बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यहां पर इस 14 अध्याय में पहली घटना जो हुई यूहन्ना बपतिस्मा का सिर काट दिया जाता है और उसके बाद यीशु मसीह एक रेगिस्तान एकांत जगह पर जाकर परमेश्वर की हजूरी में बैठे और उसके बाद जो बड़ी भीड़ आई और उसके बाद यीशु मसीह ने देखा और उनके पर उनको दया आ गई, तरस आ गया और 5,000 लोगों को वहां पर यीशु मसीह उनको चमत्कार के द्वारा खिलाते हैं, 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा। उसके बाद यीशु मसीह भीड़ को विदा करके और अपने चेलों को नाव के अंदर बिठाकर यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए चले जाते हैं। सो यहां पर मत्ती उसका 14 अध्याय 22 से 33 आयत को जब हम पढ़ते हैं और इस घटना के बारे में जब मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ आत्मिक सत्य को आपके सामने में लाना चाहता हूं। यीशु के साथ यात्रा, और जब हम यीशु मसीह के साथ यात्रा करते हैं तब हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव को हम देख पाते हैं। यीशु मसीह ने ही चेलों लोगों को उस नाव में बिठा दिया। यीशु मसीह ने ही उस यात्रा की शुरुआत किया और उसके बाद जब यीशु मसीह ने यात्रा की शुरुआत किया और यीशु मसीह प्रार्थना के लिए एकांत जगह पर चले जाते हैं और बाइबल बताती है कि जब नाव मध्य समुद्र के बीच में आ गए, बीच समुद्र के बीच में, तब एक बड़ा तूफान उनकी नाव जो है हिलने लगती है और ये चेले लोग बहुत घबरा गए थे। उस घबराहट के बीच में, उस तनाव के बीच में यीशु मसीह पानी पर चलकर वहां पर उनके पास आते हैं। प्रियो, यहां पर जो बात परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं कि यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, एक ऐसा नमूना यीशु मसीह दे रहे हैं कि जब भी उनको समय मिले, अपना व्यक्तिगत समय परमेश्वर पिता के साथ वो व्यतीत करते थे और उसके बाद परमेश्वर पिता के साथ बातचीत पूरी करने के बाद वो उस पानी पर चलकर वो चेलों के पास आ रहे हैं। और उसी समय जब वो चेलों के पास आ रहे थे, शिष्य लोगों ने देखा कि ये तो कोई भूत है और जब ऐसा बात उनके मुंह से निकला, यानी कि चेले लोग उस अंधेरे में यीशु मसीह को पहचान न पाए। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा ही कुछ होता है, परमेश्वर के साथ चलते चलते भी कुछ ऐसे क्षण आ जाता है जहां पर हम परमेश्वर को पहचान
ना भूल जाते हैं या उनको गलत तरीके से हम उनको देखते हैं। ऐसा ही चेलों के जीवन में हुआ। चेले लोगों ने माना कि ये कोई भूत है, लेकिन उसके बाद यीशु मसीह उनको जो बात कहते हैं और वो है तीन शब्द जो इस यात्रा में हमें बल और सामर्थ्य देते हैं। जीवन की इस यात्रा में यीशु मसीह हमारे साथ होना चाहिए और यीशु मसीह के वचन हमारे साथ होना चाहिए। यीशु मसीह ने चेलों को बोला, हिम्मत रखो, ढाढ़स बांधो। पहला शब्द यीशु मसीह आज इस नए साल में हमें देना चाहते हैं और कहते हैं कि हिम्मत रखना है हमें। परिस्थितियां कितनी भी विपरीत आ जाए, हमारे विरुद्ध में, हमारे सामने आ जाए, हमारे चारों ओर आ जाए, लेकिन हमें हिम्मत रखना है। यीशु ने कहा कि संकट और मुश्किली तनाव इस संसार में है, लेकिन हिम्मत रखो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। प्रियो, परमेश्वर यीशु मसीह आज हमें कहते हैं कि हमें हिम्मत रखना है, हमें ढाढ़स बांधना है, हियाव बांधना है। जब हमारा हियाव परमेश्वर पर, परमेश्वर के वचन पर रहेगा, तो कोई भी परिस्थिति हमें हिलाना पाएगी। और इसलिए ये यीशु मसीह के शब्द हमें हियाव बांधना है, हिम्मत रखना है हमें। और इसलिए प्रियो, संसार हमारे विपरीत जा सकता है, हमारे खुद के लोग हमारे विपरीत जा सकते हैं, और बहुत सारे लोग जो हम उनको भरोसा करते हैं, जो जिनके लिए हमने अपना समय व्यतीत किया, वे लोग भी कई बार हमको छोड़ के चले जा सकते हैं या चले गए हैं। तो अभी यीशु मसीह हमें कहते हैं, हमें हियाव नहीं छोड़ना है, क्योंकि मनुष्य ने हमें नहीं बुलाया, कोई संस्था ने हमें नहीं बुलाया, लेकिन यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमें बुलाया है उसकी सेवकाई के लिए। और इसीलिए प्रियो, हमें हियाव नहीं छोड़ना है। कुछ भी हो जाए आपके जीवन में, आपके परिवार में, सेवकाई में, कुछ भी हो जाए, लेकिन हियाव को नहीं छोड़ना है। दूसरा शब्द यीशु मसीह हमें वहां पर कहते हैं कि मैं हूं। यहां पर यीशु मसीह चेलों को कहते हैं कि मैं हूं। अपनी पहचान यीशु मसीह वहां पर देते हैं। वो लोग सोच रहे थे ये तो कोई भूत है, कोई दुष्आत्मा है, लेकिन यीशु मसीह अपनी पहचान देते हैं कि ये तो मैं हूं। मैं हूं शब्द यूहन्ना में आया है, और वही शब्द जब हम मूसा को परमेश्वर ने उस जलते हुए झाड़ी में दर्शन दिया, और वहां पर मूसा ने परमेश्वर का नाम पूछा कि आपका नाम क्या है, तब परमेश्वर ने कहा कि मैं जो हूं सो हूं। यहां पर यीशु मसीह सेल्फ एग्जिस्टेंस, स्वयंभू परमेश्वर के बारे में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। प्रियो, हमारा परमेश्वर वो स्वयं भू है, उसको किसी ने नहीं बनाया, वो खुद आदि और अंत है, पहला और अंतिम वही है, अल्फा और ओमेगा वही है, और वही यीशु मसीह कहते मैं हूं। यहां पर प्रियो, यीशु मसीह उस नाम की पहचान उन चेलों को देते हैं। प्रियो, जब हम कोई भी बात संकट में है, तकलीफ में है, कोई भी बात हमारे जीवन के विपरीत चल रही है, उस समय
यीशु मसीह हमको उसके नाम का प्रकटीकरण देते हैं, और इसीलिए मैं हूं यानी कि उसकी उपस्थिति हमारे साथ है। उसने हमें छोड़ा नहीं है, वो हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है। तीसरी बात, यीशु मसीह उन चेलों को कहते हैं और कहते हैं, डरो मत, घबराओ मत। यानी कि यीशु मसीह चेलों को हियाव बांधने की बात कर रहे हैं। वो कहता है कि मैं आपके संग हूं, मैं हूं, डरने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए बाइबल में एक एक दिन परमेश्वर की प्रतिज्ञा के रूप में वो परमेश्वर कहता है डरो मत, और कहता है कि मैं तुम्हारे संग हूं। और इसीलिए प्रियो, आज सुबह मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि जीवन की यात्रा में, विश्वास की यात्रा में यीशु मसीह उसके वचनों के द्वारा हमें बल और सामर्थ्य देते हैं। और इसीलिए प्रियो, हमें दृढ़ होना जरूरी है। उसके बाद जब हम आगे आते हैं, 12 चेले में से एक ने कहा कि यदि प्रभु तू है तो मैं भी आना चाहता हूं। यीशु मसीह ने कहा आ, और वो पानी पर चलने लगा। प्रियो, बहुत सारे लोगों में से थोड़े लोग ही परमेश्वर की आज्ञा पर चलने वाले लोग हैं। 12 चेलों में से एक ही व्यक्ति ने कहा कि यदि प्रभु तू है तो मैं भी चलना चाहता हूं। वो बात कठिन था, क्योंकि एक असंभव बात को वो एक्सपीरियंस करने वाला था, अनुभव करने वाला था। और इसलिए जब वो नाव में से पहला कदम रखा, पतरस ने दूसरा कदम रखा, तो उसने देखा कि वो सही में पानी पर चल रहा है। एक अद्भुत बात को उसने देखा। प्रियो, परमेश्वर के वचन पर यदि हम चलेंगे, उसकी आज्ञाओं पर यदि हम चलेंगे, तब हम अद्भुत बातों को हम देखने पाते हैं। पत्रस वही आज्ञा पर चला, उस यीशु के वचन पर चला, और इसीलिए एक अद्भुत अनुभव को उसने पाया जो किसी मनुष्य ने नहीं पाया। वैसा वो पानी पर चलने वाला बन गया, क्योंकि वो पर यीशु की आज्ञा पर चलता था। प्रियो, लेकिन बात वहां पर रुकी नहीं। आगे जब हम देखते हैं कि जब तक उसकी नजर यीशु मसीह पर थी, वो अच्छी रीति से वो अपनी यात्रा को अच्छी रीति से वो चल रहा था। मैं आज कहना चाहता हूं कि जब तक हमारी नजर यीशु मसीह पर है, हमारी यात्रा अच्छी रीति से चलेगी। जब तक हमारी नजर यीशु मसीह पर है, तब तक कोई भी पवन, कोई भी हवा, कोई भी तूफान, कोई भी डराव, डर और या कोई भी महामारी हमारे जीवन की इस यात्रा को थंबा रोक नहीं सकती। और इसलिए मैं चाहता हूं कि प्रियो, आपकी और मेरी नजर यीशु मसीह पर होनी चाहिए। इब्रानी का लिखने वाला बार बार उस बात को कहता है कि हमारी आंखें यीशु मसीह पर हमें केंद्रित करना है, जो हमारे विश्वास का उद्भव स्थान है, जो हमारे विश्वास को पूर्ति करता है, उसके ऊपर हमारी आंखों को, हमारे आंखों से उसके ताकते रहना है, यीशु मसीह को, जो हमारा प्रमुख याजक है, जो हमारा पीड़ित है, उसके ऊपर हमारी नजर को हमें रखना है। कोलोसी में लिखा है कि हमारी दृष्टि हमें स्वर्गीय बातों की ओर रखना है। प्रियो, आज सुबह मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आपके आप व्यस्त हो सकते हैं, आपका नौकरी, आपका बिजनेस, सब कुछ हो सकता है, लेकिन आपकी आंखें यदि यीशु पर नहीं है तो आप कभी भी गिर सकते हैं।
आप कभी भी पाप में डूब सकते हैं, और इसलिए इस विश्वास की यात्रा में, यीशु के साथ की इस यात्रा में आपको आपकी आंखें यीशु पर लगाना जरूरी है। और इसलिए प्रियो, जब हम हमारी आंखें यीशु पर लगाएंगे, तब आप जो दिशा में जा रहे हैं उस दिशा में आप सफलता पाएंगे। लेकिन जब बाद में हम देखते हैं कि जब पत्रस की आंखें यीशु पर से उस हवा पर चली, उस तूफान पर जा गिरी, उस जो लहर आ रही थी उस पर जा ठहरी, तब बाइबल बताती है वो डूबने लगा। प्रियो, मैं आपको उत्तेजन देना चाहता हूं, कई बार ऐसा हो सकता है क्योंकि हम लोग सुपर पास्टर या सुपरमैन या सुपरवुमन कोई भी नहीं है, क्योंकि कई बार हमारी आंखें यीशु पर है तो हम सुरक्षित है, लेकिन जब यीशु मसीह के ऊपर से थोड़ी भी हमारी आंख दूसरी बातों पर चली जाती है, शैतान और संसार की बातें और जो पाप जो है वो हमें गिरा सकता है, और इसलिए हमें बहुत सावधान रहना है। पत्रस ने नहीं कहा कि नहीं यीशु, मुझे आपकी जरूरत नहीं है, मैं मछुआरा हूं, मैं अच्छी रीति से तैरना जानता हूं। लेकिन पत्रस ने एक छोटी सी प्रार्थना किया, प्रभु मुझे बचाओ, और परमेश्वर ने अपने हाथ को लंबा कर पत्रस को खींच लिया। प्रियो, आज सुबह मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप गिर गए हैं तो आप प्रार्थना करिए, यीशु मसीह आपको फिर से खड़ा करेगा। यदि आपको लगता है कि मेरे विरुद्ध में लोग उठे हैं, आपको लगता है कि मेरे विरुद्ध में लोग निंदा कर रहे हैं, आपको लगता है कि मेरे जीवन की परिस्थिति विपरीत हो रही है, सेवकाय जैसा करना चाहते वैसा नहीं हो रही है, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह को आप प्रार्थना करिए, प्रभु को कहिए, प्रभु मुझे बचा लीजिए, प्रभु मुझे आपकी जरूरत है, प्रभु मुझे मदद करिए। एक छोटी सी प्रार्थना आपको परमेश्वर के सामर्थ को आप देख पाएंगे। वो परमेश्वर जो स्वर्ग का परमेश्वर है, जो परमेश्वर जो हमारे दिल में रहता है, जो परमेश्वर जो हमारे साथ रहता है, वो परमेश्वर अपने हाथ को लंबा कर हमें खींच लेगा। और इसलिए प्रियो, आपको घबराने की जरूरत नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं, यदि आप गिरे हैं तो प्रभु आपको उठा सकता है। बाइबल बताती है धर्मी 7 बार भी गिरे तो वो उठ खड़ा होगा। प्रियो, आज सुबह मैं नहीं जानता कि आप कौन सी बातों में आप डूब रहे हैं या गिर चुके हैं, मैं आपको उत्तेजित करना चाहता हूं, आप एक प्रार्थना कर लीजिए। एक छोटी सी प्रार्थना आपके जीवन को बचा सकती है, एक छोटी सी प्रार्थना कि प्रभु मुझे बचा, वो प्रार्थना आपको फिर से नए सामर्थ्य नए बल में आपको खड़ा कर सकती है। और इसलिए आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि इस जीवन की यात्रा में कई बार हम गिर भी सकते हैं, लेकिन हमको कॉन्शियस हमारा विवेक कहना चाहे कि मैं गिर चुका हूं, प्रभु मुझे बचा ले, मुझे फिर से मुझे उठना है। यदि ऐसा हम करेंगे तो वो परमेश्वर और उसकी पवित्र आत्मा हमें बल देगी और हम उठ खड़े होंगे। प्रियो, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं इस जीवन की यात्रा में, इस विश्वास की यात्रा में, कि जब बाइबल बताती है जब पत्रस को यीशु मसीह ने अपने हाथ खींचा और उसको खड़ा कर दिया, और वे लोग नाव के अंदर बैठ जाते हैं, जब वो नाव के अंदर बैठ गए
और तूफान शांत हो गया। मेरा कहना क्या मतलब यह है कि प्रियो, जब यीशु मसीह हमारे नाव के अंदर, हमारे जीवन के अंदर आ जाता है, समस्या तकलीफें शांत हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जब यीशु मसीह हमारे साथ है तो तूफान नहीं आएगा, समस्या नहीं आएगी, आएगी। लेकिन जब यीशु मसीह साथ है तो तूफान शांत हो जाएगा। तूफान आएगा लेकिन तूफान शांत हो सकता है, समस्या आएगी लेकिन समस्या दूर हो जाएगी, बीमारी आएगी लेकिन बीमारी दूर हो जाएगी, हम लोग चंगे हो जाएंगे। और इसीलिए प्रियो, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि जिस यीशु मसीह ने चेलों की यात्रा को शुरुआत किया, उसी यात्रा को यीशु मसीह वहां पर अंत करते हैं। शुरुआत एक छोर से लेकर दूसरे छोर यीशु मसीह उनको पहुंचाते हैं। प्रियो, घबराने की जरूरत नहीं है, मिडल मध्य समुद्र के बीच में समस्या तकलीफें आ सकती है। और इसलिए जब हम यीशु मसीह को हमारी इस जीवन की यात्रा में साथ लेके चलेंगे, हमारी सेवकाई में जब हम यीशु मसीह को साथ लेके चलेंगे, तो एक छोर से वो दूसरे छोर तक हमें सही सलामत पहुंचा सकता है। प्रियो, हमारी एबिलिटीज, हमारी सत्यता, हमारे ज्ञान और हमारी बुद्धि के ऊपर हम आधार न करें। उस पत्रस ने सारी बात को बाजू पर रख के उसने प्रार्थना किया, प्रभु मुझे बचा। एक अच्छा चरवाहा, एक सफल मछुआरा, जन्म से मछुआरा, उसको पानी से कैसा डर। लेकिन यहां पर वो कहता है कि मैं डूब रहा हूं, प्रभु मुझे बचा। प्रियो, आज सुबह मैं आपको उत्तेजन देना चाहता हूं, जब यीशु मसीह और पत्रस उस नाव में आ गए, तब सारे चेलों ने कहा कि सही में तो परमेश्वर का पुत्र है, और वे लोग उसकी आराधना करने लगे। प्रियो, आज सुबह वही परमेश्वर का पुत्र है जो हमारी इस जीवन की यात्रा को, विश्वास की इस यात्रा को पूरी करेगा। और इसीलिए प्रियो, ये यात्रा जो है और यीशु मसीह के साथ पूरी होनी चाहिए। अंत तक हम लोग विश्वास योग्य रहेंगे, जीवन का मुकुट को हम पाएंगे। अंत तक हमें विश्वास योग्य रहना है, तभी ये यात्रा सही में अच्छी रीति से हम पूरी करने पाएंगे। और इसीलिए प्रियो, आइए अपने आप को इस वचन के आधार पर हम अपने आप को समर्पित करें। इस यात्रा में यीशु मसीह हमारे संग रहना चाहिए। इस नए साल में यीशु मसीह को हमें साथ लेके चलना है। इमानुएल देव हमारे साथ होना जरूरी है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहना जरूरी है। और इसीलिए प्रियो, हर समय उसको लेके हमें चलना होगा। आइए इस जीवन की यात्रा में, आपका जीवन यदि डामाडोल है, यदि आप के जीवन में हिलचाल हो रही है, तब यीशु मसीह के पास आप आ जाइए, और वो यीशु मसीह आपको डामाडोल परिस्थिति, हिलचाल वाली परिस्थिति और जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है उसको वो सही करेगा, ठीक करेगा। और इसलिए आइए अपने आप को प्रभु के हाथों में हम समर्पित करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता,
जो वचन बोया गया है पिता उस वचन को आशीष कर दीजिए, अच्छी भूमि पर 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लाने पाए। मैं प्रार्थना करता आज जो लोग अपने मैरिज एनिवर्सरी मना रहे हैं, जिनका बर्थडे है, प्रभु उन सबको आप आशीषित कर दीजिए और आपकी कृपा उनके जीवनों पर आ जाने पाए। जो लोग ऑनलाइन पिता इस वचन को सुनाए, सबको आप आशीषित कर दीजिए। आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को शून्य ग्रहण कीजिए, आमेन। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे।